मलेशिया में भारतीय मूल के नागरिकों के साथ हो रहे बर्ताव का असर अब भारत से मलेशिया जाने वाले पर्यटकों की तादाद पर भी दिखने लगा है। क्रिसमस के मौके पर भारत से भारी संख्या में पर्यटक मलेशिया जाते थे, पर मौजूदा हालात में इन पर्यटकों ने मलेशिया से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। लंबे समय से भारत और मलेशिया के बीच चल रहे मधुर संबंधों में इन दिनों खटास आती जा रही है। 1969 के बाद ये पहला मौका है जब मलेशिया सरकार भारतीय मूल के नागरिकों के दमन पर आमादा दिख रही है। अपने हक की मांग कर रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ इस बर्ताव का सीधा असर भारतीय पर्यटकों पर दिखने लगा है। जो लोग एक्चुअली सिंगापुर के फेयर में मलेशिया फ्री मिल जाता था, या श्रीलंका फ्री मिल जाता है मलेशिया या सिंगापुर के फेयर में, तो इस तरीके से लोग मलेशिया रुकते थे। तो हमारे पास जितने टूरिस्ट थे, और हमारे पास काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, तो उनमें से 5-10% टूरिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कहा, यार को गड़बड़ लग रही है, तो आप बैंकॉक से हमें सीधा सिंगापुर ले जाओ, हमें मलेशिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। टूर ऑपरेटरों के मुताबिक मलेशिया जाने वाले पर्यटक न सिर्फ टिकट कैंसिल करा रहे हैं, बल्कि अपने टूर के दौरान मलेशिया में रुकना भी नहीं चाह रहे हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि लोग अपनी हॉलीडे पैकेज में अब मलेशिया की जगह बैंकॉक, हांगकॉन्ग और सिंगापुर जैसे डेस्टिनेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि मलेशिया टूरिज्म से जुड़े जानकारों का मानना है कि इन घटनाओं का बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा। न्यू ईयर का तैयारी हो रही है, क्रिसमस की तैयारी हो रही है, तो उस हिसाब से जो इस समय सीजन होता है वो वैसे ही बढ़ोतरी की तरफ अग्रसर हो जाता है, तो वो बढ़ोतरी इस बार भी देखने को मिलेगी। भारतीय पर्यटकों की मलेशिया से बेरुखी मलेशिया में पर्यटन से होने वाली कमाई पर भी असर डाल सकती है। इस साल सितंबर तक पर्यटन से मलेशिया की कमाई सिर्फ भारतीय पर्यटकों से 59% बढ़ी है। ऐसे में हालात और बिगड़ने का खामियाजा मलेशिया सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। सिद्धार्थ शेखर, जी बिजनेस, दिल्ली।